ही बंदे महासुख होई जो ठीक है मन चलीसा होय सिद्धि साखी गौ सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय पति महादेव की जय। पंचाक्षरी का हम लोग पाठ करेंगे उसके बाद। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सुरयाय दक्षात्मरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै सिताराय नमः शिवाय वशिष्ठकुम्भोद्भवदोत्तमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। बोले उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। बहुत गर्मी है आज और लगभग सभी लोग आज फकांसी से गए जो मंदिर परमानेंट आते हैं। जितने लोग हम लोग हैं हम लोग कथा सुनेंगे। स्वामी जी हम सबको कथा सुनाएंगे और शिव पुराण की कथा है और जितनी महान कथाएं हुई हैं उसमें भीड़ नहीं थी। शंकर भगवान कहते थे तो कितने लोग थे, केवल पार्वती माँ थी। काक भुसुंडी कहते थे तो गरुण महाराज थे, कुछ चिड़िया आके बैठ जाती थी। एक बार शंकर भगवान भी गए थे। विभीषण के यहाँ कथा होती थी तो विभीषण त्रिजटा और माल्यवंत रावण का नाना यही तीन लोग रहते थे। तो बहुत कम लोग जो है कथाएं महान कथाएं जो है बहुत कम लोगों में हुई। तो यह शिव पुराण पूरी परंपरा में जैसे होना चाहिए हम सबको स्वामी जी सिखा रहे हैं बता रहे हैं। कथा तो आप सुने हैं शिव पुराण की, लेकिन साथ में शिव पुराण के अनुसार गायत्री साधना करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, यह सब जो लिखा है वह स्वामी जी के साथ हम सब करते हैं। तो स्वामी जी से प्रार्थना है कि हम सबको कथा के आगे के प्रसंग सुने। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनामपतिं वंदे सूर्यशशांकवर्णिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं बुधेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नारायण समारम्भा शंकराचार्य मध्यमा श्री विश्वदेव प्रियतम वंदे गुरु परम वंदे गुरु परम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गो माता की दक्षेश्वर महादेव की केतुमालेश्वर महादेव की अनंतानंत यति चक्र चूड़ामणि स्वामी विश्व देवान जी महाराज की पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव महाराज की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमादरणीय हमारे आचार्य जी भक्तिमती माताओं एवं श्रद्धालु धर्म प्राण बंधु हमारा जो शिव पुराण का कार्यक्रम चल रहा है आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही कि जितने बड़ी कथाएं हुई हैं बहुत ज़्यादा उसमें वक्ता श्रोता दोनों बहुत ज़्यादा नहीं रहे श्रोता बहुत ज़्यादा नहीं रहे एक ही वक्ता और कई बार तो एक ही श्रोता हुआ है हाँ। तो हमें ये नहीं देखना है कि कितने श्रोता आ रहे हैं हमें मुख्य देखना है देखिए हम अपनी वाणी का गुणानुवाद से अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं और आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है तो लोग फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से लोग देख ही रहे हैं और आप लोग यहाँ हैं निश्चित ही आप धन्यवाद के पात्र हैं साधुवाद के पात्र हैं। देखिए जो हमारी हमारा कथा का क्रम है आज कल चर्चा हुई थी गायत्री के बारे में श्रावणी के बारे में और वो कुछ साधना भी हुई उसमें हम लोगों ने सब ने उसको मिलकर के एक सामूहिक प्रार्थना मंत्र जाप कही या एक साधना कही वो किया सभी लोगों ने। आज हम चर्चा करेंगे एक्चुअली
जो विषय दिया गया था विषय के अनुसार आज हम शिव पार्वती विवाह की हम चर्चा करें। देखिए वैसे तो पुराण बहुत बड़ा है, 24,000 श्लोक कम नहीं होते, और 1 घंटे में इस पूरे पुराण को सुना पाना, माने नित्य प्रति हम 11 दिन के 11 घंटे में पूरे पुराण को सुना पाना, इसलिए इसको हमने कथा में करके यज्ञ किया है। आचार्य जी ने इसको शिवपुराण यज्ञ कहा है, एक प्रकार का हम यज्ञ कर रहे हैं कि यज्ञ कर रहे हैं। ये जो यज्ञ कर रहे हैं इसमें हम लोग इस शिव पुराण की जो मुख्य विषय हैं उन पे प्रकाश डाल रहे हैं, सारे को धीरे धीरे छू करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को सबको ज्ञात होगा भगवान शंकर के यहाँ पहले उनकी जो पत्नी थी वो सती थी। सती दक्षेश्वर, दक्ष जिसके नाम से हमें दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी है, सती दक्ष की पुत्री है। और दक्ष क्या है, दक्ष देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र है, प्राचेतस जो ब्रह्मा हो गए उनके। तो उन्होंने क्या किया कि सृष्टि का विस्तार या कि सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए दक्ष और उनकी पत्नी से संतान उत्पत्ति हुई सृष्टि के आरंभ में। तो क्या हुआ, नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश दे दिया, सबको वैराग्यवान बना दिया। नारद जी के उपदेश से जो राजा दक्ष के यहाँ पुत्र हुए वो सारे विरक्त हो गए। फिर क्या हुआ, नारद जी जो दक्ष जी को बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मैंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इतने संतान की उत्पत्ति की, ये सभी विरक्त हो गए। तो उन्होंने फिर देखा कि पुत्र जितने भी पुत्र पैदा करते हैं सभी को नारद जी उपदेश दे देते हैं, हाँ, और नारद जी के उपदेश से सब बाबा बन जाते हैं, माने विरक्त हो जाते हैं। कोई भी आगे संतान उत्पत्ति नहीं चाहता, कोई भी आगे गृहस्थ में नहीं जाना चाह रहा था। तो ये एक समस्या हो गई। तो इस समस्या के लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, बेटों को तो ये बाबा बना लेंगे, बेटियों को कहाँ से बाबा बनाएंगे, आप समझ ले। तो दक्ष जी के यहाँ बेटियां पैदा हुई, उन बेटियों को फिर अलग अलग ऋषि, किसी किसी को ऋषि को, चंद्रमा को, बहुत सारे जन उनका विवाह हुआ सबका। तो उनमें दक्ष जी की एक बेटी थी सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। तो ये प्रसिद्ध है घटना, आप सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं दक्ष का, दक्ष राजा था तो दक्ष को थोड़ा सा अपना अहंकार हो गया। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, और अपने जो दामाद थे भगवान शिव उनको नीचा दिखाने के लिए उनको निमंत्रण नहीं भेजा, उनको आमंत्रण नहीं भेजा, उनको बुलाया नहीं गया। He didn't send any invitation to invite गॉड शिवा। पार्वती उनकी जो पत्नी थी सती, सती को क्योंकि शंकर जी रहते कहाँ हैं, कैलाश में, और स्वर्ग लोक जो द्यु लोक के सारे कैलाश से ऊपर ही पड़ते हैं। तो देवता जा रहे हैं, कहीं इंद्र जा रहा है, कहीं कुबेर जा रहा है, सारे सब जा रहे हैं अपने अपने विविध विमानों से राजा दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए। तो जब सती को पता चला कि मेरे पिता के यहाँ कार्यक्रम है, अब आप भी सोचो, वे आपके पिता ये कोई बड़ा कार्यक्रम करें, आप ही के पिता यदि कोई बड़ा कार्यक्रम करें और आपके और आपके पति को न बुलाएं तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसा ही भगवती सती को बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर भी शंकर जी के पास जाकर के कहा कि वहां यज्ञ चल रहा है, चलिए यज्ञ में चलते हैं। शंकर जी ने कहा, भगवान हमारे पास तो कोई निमंत्रण नहीं है,
वी आर नॉट इनवाइटेड, भाई हमें इनविटेशन नहीं मिला। तो सती को क्रोध आया और सती क्रोध में भर के 10 दिशाओं में, वहां से 10 दिशाओं में 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ। महाकाली से लेकर के कमलात्मिका तक 10 महाविद्या हुई, काली, तारा, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, हाँ, उसमें बगला मुखी भी आ गई, छिन्मस्ता भी आ गई, धूमावती भी आ गई, ये सारी 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ। और उनके बाद फिर शंकर जी को देखा, शंकर जी ने देखा कि ये जाना चाह रही हैं, शंकर जी ने लेटर को माने उनको अलाउ किया, जाने दिया। वो अपने पिता के यहाँ आई, लेकिन जितना उसका सम्मान होना चाहिए था उतना आवभगत उसको मिली नहीं। उसको लगा कि समथिंग दे आर नॉट ट्रीटिंग हर एज वेल हाउ शी शुड बी ट्रीटेड, लाइक उसको जैसा उसको आदर मिलना चाहिए था, वो वैसा उसको ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट माने उसको ऐसा ओनर या आदर नहीं मिला, क्योंकि वो इनवाइटेड नहीं थे। लेकिन फिर भी पिता के घर में तो आपको सबको लगता ही है कि हमारा अपना एक अधिकार होता है। तो सती वहां गई, देखा बड़े बड़े आचार्य यज्ञ करा रहे थे, उसमें भृगु ऋषि थे और ब्रह्मा जी वहां थे, भगवान विष्णु वहां थे, इंद्र आदि सारे देवता उस यज्ञ में थे। तो भगवती ने अपने पिता को कहा कि मेरे पति को आपने इसमें आमंत्रित, भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया। तो दक्ष ने क्रोध में आकर के उनका थोड़ा ऐसा अपमान भरे कुछ शब्द कहे, तो जिसके कारण सती को इतना क्रोध आया, सती ने योगाग्नि से अपने शरीर का दाह किया। शरीर का दाह होते ही हाकार मच गया सारे ने, वो तो कोई हवन कुंड में नहीं कूदी है, उन्होंने अपने योगाग्नि से अपने को भस्म कर लिया। वो भी माया है और ये शक्ति है, कोई सामान्य नहीं है, भगवान की सहचरी है। भगवान का शिव और शक्ति का तो सदा से, हमेशा हमेशा से शिव शक्ति साथ रहती आई है। तो ये होने के बाद क्या हुआ, भगवान शंकर को जब खोज खबर आई, पता चला भगवान के गण लड़ने के लिए पहुंचे, उधर से देवताओं की जो इंद्र आदि देवता थे और भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए। दक्ष ने, राजा दक्ष ने कहा कि मैं रक्षा करो त्राहिमा, भगवान विष्णु बोले वही रक्षा तुम्हारे अतिथि जरूर है, लेकिन रक्षा शंकर से कौन कर पाएगा तुम्हारे, शंकर के द्रोह से, शंकर से हम ठीक हम प्रयत्न करेंगे बट वी कांट सेव यू, यू विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। उन्होंने कहा विष्णु जी ने कि हम ट्राई करेंगे, इधर जो उनके ऋषि थे उन्होंने ऐसे मंत्रों का संधान किया जिससे शिवगण यज्ञ के निकट न आ सके। तो फिर भगवान शंकर के क्रोध, भगवान शंकर ने अपने जटाओं से अपने शिवगणों का, वीरभद्र आदि का आह्वान किया, वो पैदा हुए। और वीरभद्र ने जाकर के दक्षाधर नाशकाय, जो आपने देखा ना इसमें पढ़ा भी अभी आपने, वह दक्ष के यज्ञ का जो नाश किया वीरभद्र ने जाकर के, वीरभद्र की वो भगवान विष्णु से भी युद्ध हुआ, सब हार गए, वीरभद्र के सामने ऐसा सृष्टि का कोई नहीं था जो जीत सकता था, भगवान शंकर के ही वो एक प्रकार से अंश से पैदा हुए थे। तो पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं उस समय जो वीरभद्र और जो भगवान के श्रृंगी नंदी भृंगी जो गण थे उनके सामने पूरी देवताओं की सेना, राजा दक्ष की सेना, या कहीं एक तरफ पूरी सृष्टि और एक तरफ गण, भगवान शंकर के गण, उन्होंने पूरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया सबके। यहाँ तक कि जो भृगु ऋषि थे उनका दाढ़ी उखाड़ता है, तो दाढ़ी तक उखाड़ डाले उनकी, क्योंकि वो हंस रहे थे जब
दक्ष के का सर छेदन कर दिया, दक्ष का गर्दन उड़ा दी और उसको हवन में स्वाहा कर दिया, जला दिया। फिर दक्ष ने सभी जितने भी उस समय वहां देवता थे सबने प्रार्थना की, बहुत सारा उन्होंने विनय किया, सभी ऋषियों ने भगवान शंकर का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर थोड़े उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, तब दक्ष के सर पे पकड़े का सर लगाया गया। तो ये कथा बहुत लंबी कथा है, यहाँ इसको हम बहुत संक्षेप में कहते हैं। मैंने कथाओं को छेड़ते हुए धीरे धीरे टच करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद की ये सती, इसके वियोग में भगवान शंकर बड़े दुखी हुए, उनको लेकर के वो पूरा उन्होंने कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि जहां काफी दिनों तक सती के शव को शंकर जी ने अपने साथ रखा, तो जब देखा कि शंकर जी बिल्कुल विवल हैं, अस्त व्यस्त हैं, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके जो सती के जो उनका शव था उसके जो टुकड़े किए और जो टुकड़ा जहां जहां पड़ा वहां शक्ति पीठ बने। तो ये कहीं 54 शक्ति पीठों का वर्णन है, कहीं 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 108 का भी वर्णन है, अलग अलग जगह कुछ कुछ वर्णन आता है, कहीं 52 शक्ति पीठ है। बाकी कुछ भी हो, वो बहुत सारे शक्ति पीठों का भी वहां हो, तो भगवान की लीला है। देखिए भगवान तो अंतर्यामी हो, क्या भूत भविष्य सब जानते हो, तो वो कोई ये तो है नहीं कि नहीं जानते हो। जब सारी दुनिया का सब जब अंतर्यामी है, उनसे क्या छिपा है, वो तो लीला कर रहे हैं उस लीला के माध्यम से। तो जब सती के से वियोग होने के बाद बहुत लंबे समय तक भगवान शंकर अपनी साधना में अपने कैलाश धाम में एकांत में उन्होंने वास किया। फिर क्या हुआ, एक तारकासुर नाम का राक्षस, उसने तपस्या करके ऐसा वर प्राप्त किया कि उस वर से वह शंकर से उत्पन्न संतति ही उसका वध कर सके। आप देखिए, उसने पहले तो मांगा अजर अमृतों का वरदान, ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। फिर कहा कि उस बुद्धिमान था, उसने सोचा ऐसा वरदान मांगा जाए जो हो ही नहीं सके, भगवान शंकर तो विवाह करेंगे नहीं, और भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे तो मुझे मारेगा कौन, पुत्र नहीं होंगे, पुत्र नहीं होगा तो मुझे कौन मारेगा, उसने तो ऐसा सोचा ना, अपनी बुद्धि दौड़ाई राक्षस वाली। तो उसमें उसको लगा कि चलो ऐसा कुछ वरदान नहीं है, कुछ ऐसा मांग लिया जाए, और उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो सारे देवताओं को जब वो संताप देने लगा, पूरी सृष्टि को जीत लिया उसने, काफी हद तक उसका राज्य हो गया, बहुत जगह देवतावादी सब उससे त्रस्त थे, तो सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, सप्तऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, और बड़े अनुनय विनय के बाद भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है हम विवाह कर लेंगे। तो उनका विवाह का उन्होंने जो प्रस्ताव था भगवान शंकर ने वो स्वीकार किया। तो उनके विवाह के प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद, अब ये कथा सती जो भगवती पार्वती की है, उसके पार्वती जी की भी निष्ठा देखने के लिए यहाँ शिव पुराण में वर्णन आता है। भगवान शंकर ने आचार्य जी सप्तऋषियों को भेजा कि पहले चेक करो कि ये पात्र भी है नहीं, भाई जिससे मैं विवाह करूंगा या ये मेरे से विवाह करेगी, तो उसके लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु इतने सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, ये है वो है, भगवान विष्णु की प्रशंसा की, और भगवान शंकर की कहा कि शंकर ना उनके गुण है गुणा, ना उनके कोई रूप है, ना उनका कोई संपत्ति है, शमशान में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, कपड़े तक नहीं पहनते हैं, तो बड़ा वर्णन किया गया यहाँ। लेकिन पार्वती जी ने अपना मन बना लिया था, पार्वती जी ने कहा कि क्या बात है, उनके पास वस्त्र नहीं है, वो दिगंबर है, उनकी सारी दिशाएं उनके वस्त्र है। बस विवाह बातचीत हुई उनमें सप्तऋषियों में और उसमें, तो सारी दिशाएं उनका वस्त्र है, दिगंबर है। देखिए ये आपको एक बड़ी सुंदर घटना याद आ गई मुझे। एक समय सूरदास जी, आपको सूरदास जी का नाम सुना होगा,
सूरदास जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं, वो भगवान उनके भगवान प्रिय नहीं है, भगवान को वो प्रिय है। आप समझिए भाई, हम किसी को प्रेम करें अलग बात है, वो प्रेम करता नहीं करता है ये दूसरी बात है। आप समझिए भाई, आप किसी जैसे यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या किसी को आप जानते हैं एक अलग बात होगी, वो आपको जानता है नहीं जानता है, मुख्य बात ये होती है। तो भगवान सूरदास जी को बड़ा प्रेम करते हैं, लीला भगवान की है, अपने भक्तों का वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो एक बार जो वृंदावन में बिहारी जी को, क्योंकि आंखों तो थी नहीं उनकी, बिहारी जी के दर्शन करने आते थे, लोगों ने पूछा भाई आप क्या देखते हो जो आपकी आंखें नहीं है, देखते क्या हो? उन्होंने कहा भाई मैं नहीं देखता हूं, वो मुझे देख लेते हैं, इतना ही पर्याप्त है। बोल भगवान शंकर महादेव की। तो देखिए भगवान आपको देख रहे हैं, ये मुख्य है। तो उनसे एक बार क्या हुआ, जो भगवान के सेवा शुश्रूषा करने वाले थे मंदिर में, उन्होंने भगवान को वस्त्र नहीं पहना है, और पूछा कि वो जो भी पूछते थे कि वो गा के बता देते थे भाई ये वस्त्र पहना, जैसी छवि है वैसी छवि है। उनसे एक बार पूछा कि आज कैसे लग रहे हैं भगवान बिना वस्त्रों के, तो उन्होंने कहा दिगंबर। आप समझ गए, दिगंबर माने दिशाएं जिनका अंबर है, दिशाएं जिनके वस्त्र है। तो ऐसे भगवान शंकर भी दिगंबर है, दिशाएं उनका वस्त्र है। और देखिए संपत्ति तो उसको चाहिए जिसको किसी चीज की इच्छा हो, वो तो त्रिगुणातीत हैं। भगवान श्री कृष्ण गुण अवगुण से ऊपर उठ गए, ये तो गुण और अवगुण होना ही आम आदमी की बात है। भगवान शंकर तो त्रिगुणातीत है, वो गुण और अवगुण उनके ऊपर लागू ही नहीं होते। फिर दूसरा वो कहा कि उनका कोई वंश नहीं है, अरे जो पैदा ही नहीं हो वंश कहां से होगा? भगवान शंकर अयोनिज हैं, वो किसी किसन माने उनके कोई पिता या वो ऐसा नहीं है कि उनके कोई वंश हो, वो तो जो सबके मूल कारण है, तो वो किसका वंश, उसके उनका वंश कहां से बनेगा कोई? आप ये देखिए जो खुद ही सबका सृष्टि का मूल कारण हो, उनको उनसे सृष्टि का आरंभ हुआ है शिव पुराण के अनुसार। जबकि अन्य पुराणों में कल्प भेद से, जैसे देवी भागवत में देवी से भगवती से सृष्टि का आरंभ होता है, और श्रीमद् भागवत में भगवान नारायण से सृष्टि का, लेकिन ये कल्प भेद है, ये पुराणों को ये नहीं कह सकते कि ये गलत है वो गलत है, ये अलग अलग समय में कोई, ये पहली सृष्टि नहीं है, ना कोई पहला कल्प है, ना कोई पहला मनवंतर है, ना कोई ये पहला, अनेक समय अनेक टाइप के बहुत सारे समय व्यतीत होते रहे, अनेक कल्प अनेक युग बीत गए। तो ये कल्प भेद से अलग अलग घटनाएं हैं। तो यहां बात चल रही थी पार्वती जी की, पार्वती जी को भी भगवान शंकर को पाने के लिए बड़ा जोरदार तप करना पड़ा। कालिदास जी ने तो कुमार संभव नाम का एक महाकाव्य लिखा है, बहुत अद्भुत काव्य है। संस्कृत जगत में कुमार संभवम की अपनी एक बड़ी महत्ता है। कुमार कार्तिक को कहा गया, कार्तिकेय जो भगवान शंकर के पुत्र हैं और जो तारकासुर का वध करते हैं। कुमार संभवम के ऊपर बहुत अच्छा पुस्तक लिखी कालिदास ने, अस्ति उत्तर श्याम दिशि हिमालय नाम नगादिराज, माने हिमालय के से शुरू किया भाई, उत्तर दिशा में हिमालय के नगादिराज जो हिमालय है पर्वतों के राजा हैं, तो उनकी पुत्री भगवती पार्वती हिमालय की पुत्री है, और इनकी पत्नी जो हिमालय की पत्नी है वो मैना है। मैना ने भी बहुत तप किया है कि भगवती सती भगवती पार्वती उनकी पुत्री बने। तो ये यहाँ तक कि हिमालय ने भी तप किया, हिमालय को वरदान मिला कि भगवती पार्वती उनकी पुत्री बनेंगी। तो ये बहुत सारी कथाएं मिलकर के एक जगह आ जाती हैं। सबका सार ये है कि पार्वती जी का जन्म भगवान शंकर का के साथ विवाह करने के लिए ही हुआ है। बड़ी तपस्या करती हैं, ऐसी तपस्या घनघोर तपस्या करती हैं कि अपर्णा नाम कहलाती है। पहले कुछ खाती थी, पहले फलाहार खा के रही। आजकल तो क्या है कि उपवास भी ऐसा करते हैं लोग, एकादशी को जब तक 11 प्रकार का भोजन ना मिले एकादशी पूर्ण ही नहीं होती। बोल शंकर भगवान की जय।
और सच में 11 प्रकार के खाते हैं, कुट्टू का पकोड़े और साथ में लौकी की सब्जी और ये मिठाई वो मिठाई और चिप्स, पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, पता नहीं कितनी कितनी चीजें खाते हैं व्रत में। ऐसा जितना बिना माने सामान्य दिन में जितना आदमी खाता है ना, उपवास में उससे कई गुना खाता है। ये स्थिति है, वो ऐसा उपवास नहीं किया पार्वती जी ने। पार्वती जी ने पहले पत्ते खाए, पत्ते केवल, पहले फल खाना शुरू किया, फल छोड़ दिए, फिर पत्तों के ऊपर रही, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, अपर्णा कहलाए। तो जब देखा इतना भयंकर तप करने के बाद, कठोर तप पर बहुत सालों तक इतना तप किया, भगवान शंकर ने फिर पहले सप्तऋषियों को भेजा, फिर सप्तऋषियों के बाद भगवान शंकर खुद ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने पहुंचे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर भी उनको ब्रह्मचारी के रूप में चर्चा करते हैं कि वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। ये सुनकर के भगवान शंकर से वो गुस्सा हो गए, और यहां तक कि वो ब्रह्मचारी के ऊपर नाराज होने वाली थी, तो भगवान शंकर ने देखा इनकी निष्ठा, भगवती पार्वती की निष्ठा से भगवान शंकर खुश हुए और भगवान शंकर ने उनको यथेच तथास्तु कह करके जो उनकी मन की कामना थी, मनोवांछित कामना थी, कामना तो एक ही थी, भगवान शंकर से विवाह। आज भी देखो कितनी सारी महिलाएं कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं मनोवांछित वर पाने के लिए, अपना अच्छा पति मिले उसके लिए सोमवार का व्रत होता है आज भी शंकर जी का। तो इसी उसी प्रकार व्रत करती है ना, उपवास करती हैं सोमवार का, मंडे के दिन दे डोंट ईट, दे डू फास्टिंग ऑन मंडे टू गेट लाइक हस्बैंड लाइक शिवा। तो ये अब शिवा में भी कमी नहीं है। देखिए कुछ कहे कि ऐसा पति कैसे मिला भाई, शिवा कैसा पति हुआ भाई, शंकर जी पति कैसे हुए, देखा जाए तो इनसे बढ़िया पति ही नहीं कोई मिलेगा। देखा कैसे कि ना तो कोई ससुराल में सास ससुर के झंझट, एक बात, ससुराल में सबसे आचार्य जी जो शादी करते हैं सबसे पहला झंझट सास ससुर का ही होता है। संसार में शायद ही कोई दिव्य महिला मिली होगी जिसको जिसको परफेक्ट सास ससुर मिलते हैं। सास तो हमेशा उनको विलन जैसी दिखाई, और आजकल ये जो टीवी में भी जो वो दिखाते हैं ना, उनमें सास तो विलन जैसी दिखाई देती है हमेशा है। तो ये स्थिति है। तो भगवान शंकर के यहाँ सास ससुर का झंझट नहीं, एक बात है। दूसरा, वस्त्र धोने के लिए भी आप घरों में माताएं हैं, आपको पता होगा पति के कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, दुनिया भर की कहीं कलप लगाना पड़ता है, कहीं सिलने पड़ते हैं, शंकर जी के साथ वो भी झंझट नहीं है। पार्वती को कपड़े धोने का, कपड़े सिलने का, कपड़े प्रेस करने का कोई झंझट नहीं पालना, ठीक बिल्कुल। और दूसरी बात, खाने की कोई रसोई में भगवान शंकर का तो क्या है कि वो अद्भुत दिव्य हैं, ऐसे जगह रहते हैं, कैलाश में रह रहे हैं, वहां की स्थिति देखिए। आप पूछो कि ये सर्प गले में पड़े रहते हैं शंकर जी के, वही सर्प क्यों रखते हैं? देखिए साइंटिफिकली ये बात है, सांप ऑक्सीजन छोड़ता है और कैलाश इतनी ऊंचाई पे, वहां ऑक्सीजन की कमी है। अब सरेंडर अभी कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की कमी जब हुई, बड़ा महंगा आता है ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो एक सिलेंडर ले जाने के लिए कैलाश में कौन सिलेंडर लेके जाएगा भाई वहां ऑक्सीजन का। तो उससे बढ़िया भगवान शंकर ने कहा कि चलो चलने फिरने वाले हैं, अपने आप ही आ जाएंगे, इनका झंझट नहीं, ना कुछ खिलाना, ना कोई पिलाना, ना रिफिल का झगड़ा है। भाई सिलेंडर लगाए भी कैलाश में ऊपर ऑक्सीजन का, तो रिफिल तो करना पड़ेगा, उसको भरना तो पड़ेगा। उन्होंने वो सर्प रख ली का, रिफिल का भी झंझट खत्म, भाई भरवाने का दोबारा कोई चक्कर नहीं, बहुत बुद्धिमान है देखा जाए तो। तो ये शंकर जी के यहाँ सारा मामला बहुत अद्भुत, उनके इतने गण हैं। और गणों की देखो, आचार्य जी भगवान शंकर की व्रात में जितने भूत पिशाच, भूत प्रेत पिशाच, जितने अमंगल सूचक, जितने अपशुगुन, जितने प्रकार के माने डरावने वो हो सकते थे, सब उनके विवाह में सम्मिलित हुए, उनकी बारात में। वो बोले कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कि एक बार जब भगवान राम का विवाह हो रहा था,
भगवान राम के विवाह के समय में भगवती सीता के साथ भगवान राम का विवाह हुआ, तो उस समय जब ये भूत प्रेत पिशाच को जा नहीं पाए उनकी शादी में, ना उनको कोई ले जाए बरात में, बेचारे सारे के सारे परेशान, भगवान शंकर भी गए बरात में, तो देखा कि सब रो रहे परेशान है, कोई उनको पूछ नहीं रहा, तो भगवान शंकर ने उनको वर दिया, आशुतोष है ना, ओगरदानी है, बोले कोई बात नहीं, राम जी ना ले जाए ले जाए, इनकी में जाओ ना जाओ मेरी में चलना, मैं ले चलूंगा सबको। आप समझ गए, भगवान शंकर ने कहा जितने भी अमंगल अपशगुन या कोई भी नाग किन्नर गंधर, जितने भी प्रकार के गंधर्व, जितने प्रकार के राक्षस हैं, जितने प्रकार के भूत प्रेत पिशाच जो भी हैं, जो कहीं भी फिट नहीं होते, जिनको कोई अपने घर बुला के राजी नहीं, जिनको कोई कहीं रख के माने उनको दर्शन कर रहे से मंगल मानते हैं, जिनका सबको सबको आदेश दे दिया कि भाई मेरे बरात में चलना कोई बात नहीं, मेरे यहाँ कोई किसी की रोक टोक नहीं है, कोई आईडी कार्ड चेक नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा इनविटेशन कार्ड दिखाओ, हमारे यहाँ सब खुला है। अब देखा जाए भगवान शंकर के मंदिर भी खुले रहते हैं 24 घंटे, कोई मतलब नहीं, पहले तो ऐसा होता था दरवाजे भी नहीं होते शंकर जी के मंदिर में, भाई कोई पटवाला चक्कर ही नहीं। आप भगवान विष्णु के यहाँ जाइए, सुबह भोग लगेगा, दोपहर में शयन होगा माने आराम करेंगे, फिर शाम को कई कई तो कई बार 11 बार 9 बार 13 बार पता नहीं कितनी कितनी बार भगवान को भोग लगता है। भगवान शंकर के यहाँ कोई टेंशन ही नहीं, भैया कभी आओ एक लोटा चढ़ाओ, है तो ठीक है नहीं है तो भी फूल पत्र, अरे और भी कुछ भांग धतूरा जो भी मिल जाए, यहाँ तक की घास फूस में जो होता है ना धूप होती है, दुर्वा लिया कुशा लिया, अरे भाई जो तुम्हें मिल जाए वो चढ़ा दो, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। तो ये शंकर भगवान इतने आशुतोष हैं, इतने अद्भुत हैं, इनके यहाँ सबका स्वागत है। तो जो कहीं जहां लिखा रहता है ना जब फेसबुक पे ऑल आर वेलकम है, तो ये भगवान शंकर के यहाँ वास्तव में है सभी का स्वागत, वो किसी के लिए कोई दो भाव नहीं करते, द्वैत है ही नहीं भगवान शंकर के यहाँ, कोई दो भाव नहीं है, कोई द्वैत नहीं, किसी के प्रति ये नहीं है कि तू अछूत है तू श्रेष्ठ है, वहां कोई चक्कर ही नहीं, कोई राजा ऊंचे बैठेगा या ये नीचे बैठेंगे कोई चक्कर नहीं पाला। उन्होंने कहा कि सारे आओ सब आओ, ऐसे ऐसे भगवान के गण, किसी के एक मुख है, किसी के तीन मुख है, किसी के पांच मुख है, कोई गधे के मुख जैसा है, कोई कुत्ते के मुख जैसा है, अनेक प्रकार के भूत पिशाच प्रेत जो बिल्कुल ही निकृष्ट श्रेणी के हैं वो भी हैं उसमें, और अच्छी श्रेणी के भगवान विष्णु खुद भगवान की बरात में हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब बरात में भी क्या हुआ, देखिए जब नारद जी मेना के साथ खड़े हैं, भगवती जो मेना है पार्वती जी की माता है, हिमालय की पत्नी है, और ये भी देखो पितरों की बेटी है, मेना पितर जो पितर होते हैं उनकी पुत्री हैं, वो एक सांप के कारण उनको पृथ्वी पे आना पड़ा। सांप भी कैसा, वो कहीं कहीं कोई ऋषि थे, वो जो जा रही थी तो ऋषि अपनी साधना में थे, तो उनका पल्लू थोड़ा सा लग गया, उन्होंने कहा कि तुम्हें चलने का भी सूर नहीं है, उन्होंने ऐसा सांप दिए जाओ पृथ्वी लोक पे जन्म होगा तुम्हारा, तो फिर उन्होंने प्रार्थना की सांप का कुछ समाधान हो सके, उन्होंने कहा कोई बात नहीं जन्म होगा लेकिन ऐसा होगा भगवती शक्ति ही आपके यहाँ जन्म लेंगी, तो ऐसा उनको वरदान भी साथ में मिला प्रार्थना करने के बाद। तो मैना और उनकी और भी दो बहनें और थी, एक तो जो भगवती राधा जी हैं, राधा जी के साथ राधा जी उनके यहाँ एक का जन्म हुआ है, हैं? दूसरी का जन्म ये सीता जी के यहाँ, सीता जी की उसमें, तो ये तीनों सभी अलग अलग जन है उनके जन्म हुए, लेकिन ये मैना का जन्म भगवती शक्ति के लिए पार्वती जी को मैना के गर्भ से ही जन्म लेना था, तो उन्होंने पार्वती जी ने मैना के गर्भ से जन्म लेकर के भगवान अपना जन्म सिद्ध किया, और मैना भी खड़ी हैं उनके साथ, बहुत सारी उनके दरबार की महिलाएं हैं, अब शादी होती है तो उसमें रहता है ना भाई, जो आप लोगों की बेटियों की भी शादी हुई होगी तो आपको बड़ी क्यूरियोसिटी होगी, एक होती है जिज्ञासा कौतूहल, मैना ने कभी भगवान शंकर को देखा नहीं था,
कभी कभी पहले आजकल तो फोटो आ गए, ये आ गए, दुनिया भर के चक्कर हैं, पहले से ये दिखाओ जी, वो दिखाओ जी, हैं वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, वहां बात कर रहे हैं, आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई, उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। उसमें तो ये था कि चलो ठीक है। और ये एक एक और बात, इसके पीछे एक कथा और है। नारद जी हिमालय के यहाँ गए, हिमालय ने कहा महाराज मेरी बेटी की कुंडली देखो, इसका थोड़ा भविष्य देखो कैसा भविष्य है, आप तो सब जगह जाते हो। नारद जी ने भविष्य देखा, नारद जी ने कहा कि वैसे तो सर्वगुण संपन्न है आपकी बेटी, इससे अद्भुत तो कोई हो भी नहीं सकती, लेकिन दो कमियां हैं। अब आप भी समझो, कभी कभी ऐसा होगा ना, आप सारी बात कह दो, कोई कमी कह दो तो एकदम आपको भी क्यूरियोसिटी होगी, ये लगा क्या कमी है, है? नारद जी ने कहा कि नहीं क्या करो, पूछ करके छोड़ो, सब ठीक है। बोले नहीं महाराज बताइए क्या कमी क्या है। बोले इसका विवाह ऐसे से होगा जिसका कोई घर बार नहीं होगा। देखिए बता दिया, जिसका कोई घर बार नहीं होगा, उसका कोई कुल नहीं होगा, है, और उसका जो जो वेश है, उसका जो रहना सहना है, खाना पीना है, वो अमंगल जगह में रहेगा। तो हिमालय को बड़ा दुख हुआ, भाई प्रत्येक को होता है, पिता को अपने, मैं एक बात बताऊं, माता बेटे के लिए ज्यादा व्यथित रहती है और पिता पुत्री के लिए ज्यादा। हो आपको कभी लगता हो भाई शादी में केवल माता ही रोती है, पिता भी रोता है, खासकर जब बेटी जाती है, विदा होके जाती है, पिता को भी बड़ा अकेलापन महसूस होता है। तो ये हिमालय को बड़ा अंदर से लगा, मैना को भी लगा, भाई हमारी बेटी का, बोले कुछ समाधान, कुछ भी समाधान हो सकता है। नारद जी ने कहा कि एक समाधान है। बोले वह क्या? कि शंकर जी के साथ विवाह कर दो, शंकर जी में सारे गुण है, सारे दोष हैं ये, शंकर जी के अंदर जो दोष इसको इसके विवाह के बाद आने थे वो सारे दोष शंकर जी के अंदर है, और वो दोष गुण में बदल जाएंगे तुरंत। बोल शंकर भगवान की जय। तो कहा चलो ठीक है। फिर सप्तऋषियों के द्वारा उनका कुंडली मिलान हुआ, सब कुछ हुआ, तो भगवान शंकर ने विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया, भगवती पार्वती की तपस्या भी सफल हो गई। और जब विवाह करने के लिए आ रहे थे बारात लेकर के भगवान शंकर, तो बारात में सबसे पहले क्या हुआ, विष्णु जी थे, इंद्र जी थे, कुबेर, पहले क्या हुआ, इंद्र आया ऐरावत पे बैठ करके, वहां माताएं ऊपर जो होते हैं ना चौबारे वगैरह पे ऊपर खड़े होकर के, बिल्डिंगों पे खड़ी होकर के देख रही है कौन है बराती कैसे कैसे हैं, बड़ा कौतूहल होता है माताओं में, तो देखा रहे वाह इंद्र ऐरावत पे आ रहा है, ये दूल्हा है, इतना सुंदर दूल्हा। किसने कहा रहे ये तो उनका कोई नौकर चाकर है, वो कह रहे नौकर चाकर इतने ऐरावत पे बैठ के इतना सुंदर, नौकर चाकर इतने सुंदर है वो कैसे होंगे। फिर कुबेर जी पहुंचे, कुबेर जी भी धन्याध्यक्ष हैं, धन के देवता हैं, है? देखा ये दूल्हा है, अरे नहीं ये तो उनके कोई बहुत माने नीचे के काम धंधे देखने वाले हैं, ये कोई दूल्हा नहीं है। तो उनको लगा रहे जब कुबेर जिनके नौकर चाकर हो वो कितना बड़ा होगा, धनाध्यक्ष जिनका नौकर चाकर हो। अब आप सोचने की बात है, एक बार क्या हुआ, एक चुटकुला है, एक बार कोई प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक बार क्या किया कि अपने गाड़ी चलाने का शौक था उसको, उसने ड्राइवर को पीछे बिठाया, खुद गाड़ी चलाने चला गया, हैं? और ट्रैफिक वाले ने रोक लिया उसको, उन्हें शीशा उतारा और देखता है प्राइम मिनिस्टर है, हैं? पीछे देखा नहीं उसने, हैं? उसने फोन करके अपने अधिकारी को फोन किया, सर ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, कल पता नहीं कितना बड़ा आदमी गाड़ी में बैठा है जिसका प्राइम मिनिस्टर ड्राइवर है, आप समझ गए, लाइक प्राइम मिनिस्टर इज ड्राइवर हियर, आई डोंट नो हु इज सिटिंग इनसाइड, आप समझ गए। तो जहां इंद्र आदि देवता, देवा जो देवताओं के इंद्र हैं, वो जहां नौकर चाकर की श्रेणी में आते हो, उनके देवता कितने बड़े होंगे आप सोचिए। फिर साथ में विष्णु जी आए, विष्णु जी नारद जी ने बोला नहीं ये तो उनके कोई ऐसे जानने वाले हैं, हैं, सखी संबंधी हैं, ये नहीं है। अब उनको लगा कि ओहो फिर तो इसके अंदर कोई दिव्य महापुरुष हैं,
कि देखा किसी ने था शिव जी को, तो फिर बाद में क्या हुआ, शिव जी का जो श्रृंगार भी बड़ा विचित्र हुआ। देखिए शिव पुराण में ऐसा कहते हैं कि सारे जगह नाच गान हो रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता अपने अपने गाड़े अपने अपने वाहन, कोई पुष्प विमान से जा रहा है, सभी अपने अपने, कोई एरावत को नहला रहा है, यमराज ने अपने, यमराज का जो वाहन है ना कौन है, भैंसा है, भैंसे को नहलाया पूरा, ऐसे तो काला ही है, कितना ही नहला लो काला ही होगा, उससे ज्यादा तो व्हाइट तो होने से रहा है। सभी ने अपने जितने वाहन थे सबको सुंदर बनाने का पूरा प्रयत्न किया, क्रीम पाउडर लगा करके उनको पूरा, अपने सभी वाहनों को, पहले तो वाहन भी ऐसे होते थे, तो सब ने अपने अपने बड़े बड़े अच्छे दिव्य वाहन अपने सब रथ और उनसे आ रहे थे सारे के सारे। तो लेकिन तब तक भगवान शंकर की बारात में जो उनके और गण आने थे, जो भगवान शंकर के वास्तविक गण थे, वो बाद में आने शुरू हुए। और जब वो आने शुरू हुए और प्रजा में भगदड़ मची, जो देख ले अरे वो दौड़ करके, कोई दौड़ गया, कोई गिर रहा, कोई भाग रहा, जैसे भगदड़ मच जाती है ना कई बार, तो ऐसी भगदड़ मच गई उनको देख देख के, कोई किसी का सर ही नहीं है, कबंध है बिल्कुल है नहीं, सर ही नहीं, अब बताओ उसका क्या कर ले। अब कोई है इतना बड़ा इतना ऊंचा है कि उसको, किसी को तीन तीन सर है, है? तो अलग अलग टाइप के लोग थे वहां उस उनके कार्यक्रम में, भगवान जो शंकर की बारात में। और ऐसा स्थिति बनी कि उनका जो श्रृंगार जब करने लगे भगवान शंकर का, बोले कि महाराज अच्छा सा कोई मुकुट पहन लो। शंकर जी बोले मुकुट किससे मांगना पड़ेगा, और सोने सोना सर पे रखने का क्या फायदा, सोने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो बोले मुकुट किस चीज का बनाया जाए। बोले ये जटाओं का ही मुकुट बना लेते हैं, जटा तो भगवान शंकर की अपनी खेती है, कितनी उगा लो, है कोई, ये तो है नहीं किसे मांगनी नहीं पड़ेगी, है तो जटाओं का मुकुट बनाया गया। बोले मुकुट के ऊपर मोर भी होता है, जैसे होते हैं ना सेहरा बांधते हैं, भाई सेहरा किस चीज का बनाया जाए, कहां से लाए, तो कहा सारे जो नाग थे 8-10-20 नाग पकड़ करके उनको एक जगह बांध करके उसका सेहरा बना दिया गया है। फिर बोले जी चलो कुछ क्रीम पाउडर भी होना चाहिए है, तो बोले चिता भस्म लाए, चिता भस्म लगा के लपेट दिया पूरे शरीर को, क्रीम पाउडर बन गई उसकी। फिर कहा कि महाराज कोई वाहन भी होना चाहिए, बोले छोड़ो वाहन होने, नंदी कब काम आएगा, नंदी को ले चलते हैं, हमारा प्रिय भी है, नंदी भी शादी का आनंद लेगा, विवाह का आनंद लेगा। नंदी ने कहा जी महाराज मैं ही चलूंगा, किसी और वाहन की जरूरत नहीं, तो नंदी जी वाहन बन गए। अब फिर कहा कि वस्त्र आदि, बोले वस्त्र तो कभी सोचे कि बागाम्बर पहने, कभी सोचे नहीं भगवान भगवान शिव हैं वो हाथी का अंबर भी पहनते हैं, हाथी का जो होती है चरम होती है, तो मृग चरम भी पहनते हैं, तो व्याघ्र चरम उन्होंने शेर का सिंह का वो जो वो लपेट लिया, ये उनके वस्त्र बन गए। अब गंगा जी हैं, गंगा जी सर पे ही हैं, हैं नाग हो गए, नागों का कड़ा, एक नाग का कड़ा यहाँ, एक नाग का कड़ा यहाँ, यहाँ का बाजूबंद बना लिए। जो श्रृंगार था सारा वो अद्भुत श्रृंगार हो गया भगवान शंकर का, भगवान शंकर। और फिर बैठ भी गए उस पे, बैठने लगे तो उल्टा मुंह करके बैठ गए, आपको डायरेक्ट भी बैठे तो क्या करेंगे, चलो ठीक है उस पे सीधे बैठे हैं भगवान शंकर, उल्टा मुंह कर करके जो अपने उसमें जा रहे थे तो उल्टे करके बैठे रहे। वहां जब उनकी आरती होने लगी तो नंदी जी की आरती कर रहे हैं, दूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा मुंह करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति भगवान शंकर की बरात की है, बोल शंकर भगवान की जय। तो जो फिर बरात में क्या हुआ, बरातियों को एक तरफ ठहराने लगे, उनको खाना खिलाने, पहले तो क्या होता था बरात भी कोई एक दो दिन के लिए, ये एक घंटे वाला चक्कर नहीं होता था, जैसे आजकल बैंकेट हॉल बुक कर दिया है, कितनी देर के लिए करते हैं भाई, 2 घंटे के लिए मैरिज के लिए है। पहले तो बरात भी कई 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 दिन चलती थी बरात, और गोधूली वेला में बरात पहुंचनी थी सुबह सुबह, गोधूली वेला होती है सुबह की, सूर्योदय के समय की, उस वेला में बरात पहुंची थी, और बड़ा अद्भुत नजारा है वहां भगवान शंकर के साथ, जो उनके गण है वो कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई बीना बजा रहा है, कोई तुम्बरू है, कोई नारद जी हैं, सभी प्रकार के जितने भी देवता हैं, जितने यहाँ तक कि असुर भी। आप ये देखिए असुर जहाँ देव होते हैं वहां असुर नहीं आते, ये भगवान शंकर की ऐसी बरात है असुर भी साथ में आए, तो ऐसी भगवान शंकर की बरात हुई। तो उसमें जब आखिर में नारद जी ने, मैना ने कहा कि कब आएंगे, जब नारद जी को पता चल गया मैना देखेगी तो गड़बड़ होगा है, तो नारद जी
किसके लिए पतरी गली से निकल गए, तुरंत ही बोले अच्छा मुझे और भी काम है, और भी महात्माओं को मुझे देखना है भाई, वे नारद जी हैं। नारद जी मैना को छोड़कर के आ गए, जब मैना ने देखा रही ये, मैना बोले मैं तो मर जाऊंगी, कहे कि कुएं में पड़ जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद पड़ूंगी, लेकिन इनके साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं होने दूंगी। मैना ने मना कर दिया देख करके। फिर भगवान विष्णु भगवान शंकर को अपने हाथों से सजाते हैं, वो भी एक जगन्नाथ है एक विश्वनाथ है। तो फिर भगवान शंकर का जो दिव्य रूप वहां उभर के आता है, 16 वर्षीय भगवान शंकर का अद्भुत रूप वहां होता है, भगवान का जो विवाह जब होना था। और उस समय जब दिव्य रूप भगवान शंकर धारण करते हैं तो उनसे अद्भुत कोई संसार में पुरुष नहीं हुआ। वो पुरुष भी कैसा भगवान का रूप बना, बहुत अद्भुत रूप बना भगवान का। भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप धारण किया कि पूरा संसार, पूरा देव असुर और यक्ष गंधर्व किन्नर सब सम्मोहित हो गए उनको देख करके। मैं बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर का ऐसा दिव्य अद्भुत रूप देख करके फिर उनका विवाह हुआ, और विवाह में भी गड़बड़ हुई। विवाह में पूछा गोत्र बताओ, अब शंकर जी को पता हो तो बताएं, बोले भाई हम तो अगोत्रीय ही है। बोले दादा पिता कुछ तो होगा, बोले भाई पिता हमारे तो कोई पिता नहीं है, दादा कहां से होंगे, जब पिता ही नहीं है दादा कहां से लाए, परपितामह कहां से आएंगे, जब पिता ही नहीं है तो कहां से दादा आएगा, कहां से परपितामह आएगा, है ही नहीं कोई। तो वहां जो और लोग थे बोले भाई कोई गुण कोई तो कुल तो होगा, कुछ तो कोई तो मिलाए, क्योंकि होता है ना शादी में, शादी ब्याह में कुल मिलाए जाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई कौन सा परवर है, कौन सा गुण, ये कुल का देखा जाता है, राजा महाराजाओं में भी सब जगह। अब जब आम आदमियों में देखते हैं भाई क्या गोत्र है, कहाँ से है, किस कुल से है, किस घर से है, सारी चीज देखते हैं। तो शंकर जी के यहाँ फिर नारद जी ने कहा ये तो अयोनिज है, ये इनका जन्म ये आदि है सृष्टि के, और इनका कोई आदि नहीं है, इनका कोई इनसे पहले कोई था ही नहीं ये सब के। तो उसके बाद जाकर के फिर उनका भगवान शंकर का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, भगवती पार्वती के साथ दोनों का विवाह होता है, और देवता और सब लोग उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं सभी जगह। हाँ, खाने की बरात के खाने की भी स्थिति गड़बड़ थी, खाने का तो मैं बताना भूल गया। खाने में तो ये कहा सारे जो राक्षस थे उन्होंने, जो राक्षस थे यक्ष गंधर्व किन्नर, उन्होंने पहले से योजना बनाई भी पहले खाना करा बरातियों का, बाद में शादी ब्याह होगा। उनको पता था, पता चले कल भगवान शंकर को देख करके सारा खाली लौटना पड़ जाए उनको लगा कि कहीं खाली ना लौटना पड़ जाए भगवान शंकर के विवाह में, बिना खिलाए भेज देंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए। भगवान शंकर उन्होंने कहा कि पहले खाना खिलाओ, मैं पहले पंगत लगेगी, और पंगत भी कैसी, देवता तो बेचारे पंक्ति में बैठ के खा रहे हैं, राक्षस को खड़ा हुआ खा रहा है, को कैसे, राक्षस तो राक्षस ही हूँ। आजकल जो इतने शादी ब्याह में जो देखो, एक तरफ तो पंक्ति होती है, और जो आजकल बुफे सिस्टम है ना, ये राक्षसों वाले खाना है, मजाक नहीं कर रहा, जो खड़े खड़े खा रहे हैं, जूते पहन के खा रहे हैं, कोई सुचिता का वो नहीं है, और खा भी कुछ भी रहे, ये समझिए ये एक वो राक्षसों वाला ही खाना हुआ एक प्रकार से। जैसे भगवान शंकर की बरात में राक्षसों ने भोजन किया, या जो उनके जो वो थे वहां पत्थर में जैसे जैसे लगाने पहुंचे तो एक के तीन मुंह, बोले महाराज कौन से खाओगे, बोले तीनों जगह रख दे, पत्थर जो रखनी थी एक का आगे मुंह पीछे मुंह, अरे महाराज कैसे करें उनको खिलाने के लिए, एक का शरीर, एक का शरीर नहीं है। बोले भैया आपको कैसे, क्या कहां पत्थर लगाऊं, बोले बाल्टी बाल्टी कूट दे। तो ऐसे उनके बराती थे, अद्भुत बराती, भोजन बहुत अद्भुत रहा। तो ये स्थिति भगवान शंकर के विवाह में हुई। बोल शंकर भगवान की जय। तो ये शंकर जी का विवाह बड़ा अद्भुत था। और यहाँ देखिए इस विवाह में सबसे अच्छी बात ये है, भगवान शंकर के विवाह में एक संदेश भी है, ये कोई हंसने का मात्र का नहीं है। यहाँ भगवान शंकर समदृष्टि है, भगवान शंकर के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, उनकी दृष्टि में देव दानव असुर किन्नर यक्ष सब समान है, भाई जगत पिता है ना, जो जगत पिता की दृष्टि में तो सारे को जरूर नहीं है, बेटा कैसा भी हो छोटा हो या बड़ा हो,
उनके लिए तो समान होते हैं ना, वो वास्तव में जगत पिता हैं, भगवान शंकर ही जगत पिता हैं उनकी दृष्टि में। तो उनकी जितनी भी प्रजा कोई कैसे कैसा भी है, कैसे रूप में है, कैसे हाल में है, उनके लिए तो सारे भगवान के उनके अपने पुत्र हैं। और यहाँ एक और बात देखिए, मैना ने जो अपनी बेटी को उपदेश किया है, हिमालय ने अपनी बेटी को उपदेश किया है, उपदेश ऐसा अद्भुत उपदेश दिया है वहां का कि पिता तुम्हारा तुम्हारे पति के यहाँ जा रही हो, पति की इच्छा ही तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, यहाँ तक बताया है। अब वहां ये नहीं कहा कि ये कुछ कहे तो घर आ जाना, ऐसा नहीं कहा कि अब यहाँ से जा रही हो तो हमेशा के लिए जा रही हो। ये भी मने इस हिसाब से भाई पति एक ही है और ये ही तुम्हारा पति है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ ना कुछ तुम्हें सोचना ना देखना ना सुनना। मैंने वहां पतिवर्ते व्रत की जो शिक्षा देते हैं उनके पिता और माता दोनों, उनको बड़ा अच्छा उपदेश वहां दिया गया है शिव पुराण में। मैना उनको बहुत अद्भुत उपदेश देती है अपनी बेटी को, जबकि वो साक्षात शक्ति है, उन सब कुछ जानती है वो तो जो, लेकिन उनकी लीला है, उस लीला के माध्यम से और लोगों को भी उपदेश दिया गया वहां। तो ये ऐसा भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ। उस विवाह के उपरांत फिर उनकी जो विदाई हुई वहां से, विदा जैसे होती है, और वो वहां से भगवान शंकर पार्वती जी के साथ कैलाश पे गए हैं। और कैलाश पे जाने के बाद ये आज का वृतांत आज हम यही रखेंगे। उसके बाद फिर ये कथा बहुत अद्भुत कथा है, और ऐसा कहा गया जो इस कथा को सुनते हैं उनके जीवन में बड़ा कल्याण होता है। चलिए बहुत अच्छा है, आज कथा थोड़ी लंबी चलेगी, चल अच्छा है, चलाते हैं। अच्छा अभी एक कोई शंकर जी का भजन है जो विवाह का, विवाह प्रकरण का कोई वो तो खजाना है भजन के। हाँ तो कोई भगवान शंकर के विवाह का कोई मेरे पास था, लेकिन वो प्रिंटर प्रिंट नहीं मैं कर पाया। हाँ, तो कोई भगवान शंकर के बोल, शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। Thank you.
जय 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 शिव शंकर। उसका नाम है चंद्रमौलेश्वर भगवान। चंद्रमौलेश्वर का रूप भगवान ने वहां धारण किया है। और देखिए इसके ब्रह्मा जी इसके बारे में बताते हैं, भाई इस जो कथा को जो हम भगवान शंकर शिवा शिव और शिवा के विवाह की कथा को सुनते हैं उसका भी पुण्य है। ये कोई ऐसा नहीं साधारण नहीं है जो इस पवित्र होकर के ये लिखा है। यह इमं श्रृणु यान नित्यं सुचि तद गत मानसः श्रावेत वा अथ नियमत
शिवलोकम आपनुयात, कहा कि जो इस पवित्र शिवजी की कथा को, विवाह को, शिवजी के जो चरित्र को, विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है या दूसरे को सुनाता है उनको भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान आपको भी, महादेव, देवादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव, आप लोगों को भी अपने शिवलोक का, शिवलोक में आपको स्थान दे, ऐसी देवादेव महादेव से प्रार्थना। आप लोगों ने यहाँ आकर के सुना और क्या कहा, यहाँ एक बात और कही, क्या है कि इस मंगल जो प्रसंग है इसको जो सुनता है यह हमारे जीवन में विघ्नों का नाश करता है। इस प्रसंग के सुनने से हमारे जीवन में जो विघ्न है उनका नाश होता है, व्याधियां दूर होती हैं, हमें यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु को प्रदान करने वाला, यहाँ तक कि पुत्र पोत्रों को माने संतति को बढ़ाने वाला, यहाँ तक कि उपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक यह जो प्रसंग है, जो इसको सुनता है उनके जीवन में इतनी चीजें की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ इस ये रुद्र संहिता के पार्वती खंड में भगवान शिव पुराण में ऐसा वर्णन आया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ना ब्रह्मा जी ने कहा है भाई, जो ये इसको जो लोग सुनते हैं प्रयत्न पूर्वक इसको सुनना चाहिए भगवान के। और ये तो देखो आज के क्या बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत हैं, तो यहाँ तक कि गांव में तो शिव पार्वती वह गाया भी जाता है, बहुत जगह है जहाँ शिव पार्वती के विवाह का गान भी होता है, उसको गाते हैं लोकल भाषा में, बहुत सारे गीत बने हुए हैं, एक बहुत सारे गीत, मेरे पास एक गीत था वो, लेकिन मुझे प्रिंटर का पता नहीं कैसे काम करता है तो मैं लेके भी नहीं आ पाया, नहीं तो बहुत अच्छा गीत था शंकर जी का। चलिए कोई नहीं, फिर कभी ऐसा। तो ये भगवान, ये पूरा एक भगवान शंकर का पार्वती का जो विवाह है, ये पूरा एक यहाँ जो रुद्र संहिता में पूरा का पूरा एक खंड है, पार्वती खंड, ये बहुत बड़ा खंड है। आज हमने इसको इतने शॉर्ट में सुना दिया आपको, सच में कहूं मैं सोच रहा था इसको सुनाऊंगा कैसे इतने शॉर्ट में, इसको बिल्कुल सारे को काट छाट करके हमने सारे को बिल्कुल ही गागर में सागर भरने वाली बात करी आज हमने, बहुत ही शॉर्टकट में, और भी इसमें भी थोड़ा सा हमने हंसी मजाक डालने का प्रयत्न किया ताकि ये बोरिंग ना हो, हां तो इसको थोड़ा सा मजेदार बनाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन हमने बातें वही कही जो लिखी है, हमने अपने मन से कुछ बात वहां नहीं रखी, जो उनके नंदी गण के माने जो भगवान शंकर के गण हैं वो सारे नंदी भृंगी जो भी हैं उनका वास्तव में स्वरूप अद्भुत था जो इसमें शिव पुराण में वर्णित आया है। यहाँ पातिवृत्य व्रत का भी एक ब्राह्मणी के द्वारा मैना भगवती पार्वती को उपदेश कराती है, यहाँ तक कि कहा कि पत्नी को पति से ऊंचे आसन पे नहीं बैठना चाहिए, यहाँ तक की बातें लिखी है, बहुत सारी बातें लिखी है उसमें, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत सारी बातें हैं। आज के समय में तो यदि ये बात सुनाने लगे तो ये जो वुमेन राइट्स वाले आएंगे कहेंगे आप तो ये ऊंची नीची कर रहे हो, ऐसा नहीं है। देखिए ये शास्त्र में बहुत सारी बातें ऐसी है, घर में जहां ये दोनों, एक मैं बताऊं, एक माइनस और एक प्लस, ये जो इलेक्ट्रिसिटी भी है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, यदि आप दोनों को धनात्मक बना दोगे तो क्या आएगा, या दोनों को ऋणात्मक बना दोगे क्या इलेक्ट्रिसिटी काम करेगी, नहीं करेगी। तो उसी प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों का ये दो दो ध्रुव हैं, माने दो पटरी हैं, ये यदि अलग पटती हैं तो गाड़ी नहीं चल सकती, ये तो हैं अलग अलग लेकिन रहती समान हैं और साथ साथ रहती हैं, जब उनको पूरा वो होता है उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं वो पूरा होना चाहिए, पति पत्नी को सम्मान करे, पत्नी पति का सम्मान करे, और कलो एक कल यजमान, कल के जो यजमान थे वो पूछ रहे थे आचार्य जी कि पत्नी ही क्यों प्रणाम करे, पत्नी ही क्यों पैर छुए। देखिए उसमें शास्त्रीय कारण भी है, ज्योतिषीय कारण भी है, और एक साइकोलॉजिकल कारण भी है, जहाँ माताएं हाइपर होती है, मैंने हाइपर का मतलब
ज्यादा वो आदमी से ज्यादा ऊंचे जब सोचने लगते हैं अपने को, तो संबंध लंबा खींचता नहीं, चलता नहीं, क्योंकि आदमी को ईगो ज्यादा होता है। जो मेंस दे हैव मोर ईगो देन वुमेन, उनका ईगो तो उसमें थोड़ा सा, और यदि वो थोड़ी सी कोऑपरेट करती है, और स्त्री का हृदय इतना सरल होता है, स्त्री ही किसी भी सिचुएशन को अच्छे से कर सकती है, पुरुष नहीं कर पाते। घर को यदि संवार के चलना है तो उसमें स्त्री का 80% योगदान होता है, पुरुष का 20% होता है। आपको मैं ये भी कहूँ, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण स्त्री का के हाथ में होता है। पिता तो चलो जॉब पे गया, आया, धन दिया, पैसा दिया, ठीक है, मैं ये नहीं कहता उसका योगदान नहीं होता, उनका भी योगदान होता है। लेकिन जो मातृशक्ति जो संस्कार देती है, यहाँ देखिए कथा आती है शिवपुराण में, आचार्य जी एक बड़ी सुंदर कथा है शिवपुराण में। एक गुणनिधि था नाम का, एक कथा आती है। एक नवयुवक था, उसका पिता बहुत अच्छा अद्भुत पंडित था, दीक्षित गोत्र में बहुत अच्छा एक रेपुटेटेड पर्सन था, राजपूजित जिसको कहते हैं, भाई राजा भी उसको आदर करता था। तो उसका पुत्र हुआ, तो क्या कि वो पिता बहुत अच्छा है, माता भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा हुआ। बाद में वो कुसंगत में पड़ गया, और कुसंग में पड़ने के कारण वो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। अब माता ने क्या किया कि माता ने उसको, माता को पता चल गया, माँ को पता चलता है सारी चीजों का, जानकारी रहती है बेटे हमारे क्या कर रहे हैं, बेटियां क्या कर रही हैं। पिता को शायद कभी जानकारी ना भी हो, माँ को पूरी जानकारी रहती है अपने बेटे बेटियों के बारे में। तो माँ ने उसके जो दुर्गुणों पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, पिता आता था, पूछता था बेटा कहाँ है, वो कहते अभी नहा करके मंदिर गया है, या कहीं पढ़ने गया है, या बच्चों के अपने मित्रों के साथ खेलने गया है। वो बचाती है ना माता, हमेशा बचाती है। पिता गुस्सा होता तो कौन बचाता है, माता ही बचाती है। तो माता उसका पक्ष लेने लगी। एक दिन क्या हुआ कि पिता ने उसको अंगूठी दी, बहुत दिव्य अंगूठी, रतन जटित अंगूठी, डायमंड लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे उस अंगूठी में। बेटे को प्रसन्न होकर अंगूठी दी, और बेटा ने अंगूठी ले ली, और बेटा तो उसका तो कुसंग में था, तो उसने क्या किया, कुसंग के कारण, ये शिवपुराण की कथा है, वो जुआ खेलने गया, और जुए में वो अंगूठी हार गया, और वो अंगूठी जिसने जीती उसके पास थी। और अगले दिन जब मिलना और देखा, तो जो पंडित जी थे उन्होंने अंगूठी दूसरे के हाथ में देखी। उसने कहा तुमने अंगूठी चोरी की है। उसने कहा कि नहीं, मैं चोरी क्यों करूंगा, मैंने तो ये खरीदी है। कहाँ से खरीदी है, फलाने से खरीदी है। वो कहा पता करा, उसने पता चला, उसने कहा मैंने तो फलाने से खरीदी थी। बाद में पता चला कि उसने वो अंगूठी जुए में हार गई थी, जिसने जीती थी उस अंगूठी, उसने उसको बाजार में बेच दिया। तो इस बीच वो अंगूठी दो तीन लोगों के पास चली गई। तो उसके जब उसने देखी, उसको लगा कि भाई मेरा बेटा जुआ कैसे खेल सकता है। उसने कहा तुम्हारा बेटा जुआ, वो तो ऐसा कोई नीच काम नहीं जो तेरा बेटा ना करता हो। तो उसको बड़ा बुरा लगा, भाई देखो हमें अपने बच्चों पे गर्व होता है, और जब पता नहीं होता अपने बच्चों का के बारे में, तो देखो दर्द तो होता ही है। पिता को बुरा लगा, पिता ने जाकर के अपनी पत्नी से पूछा, पंडित जी ने, कि बेटा कहाँ है। पत्नी फिर झूठ बोलने लगी, हैं तो कहा कि अब झूठ मत बोल, मुझे पता चल गया है, हैं तो क्यों उसका पाप को छिपा रही हो। तो इसको ऐसा कह करके पिता ने अपने बेटे को घर से बाहर, जब बेटा आया तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, कहा कि मेरे से कोई तुम्हारा संबंध नहीं है, और तुम ने मेरे कलंक को, मेरे कुल को कलंकित किया है, तो इसलिए तुम घर से निकल जाओ। तो बेटे को बड़ा दुख हुआ, ठोकर लगी, कहीं ना कहीं ब्राह्मण उचित संस्कार तो थे अंदर, तो उसने कहा कि चलो मैं घर जाऊंगा ही नहीं, मैं दोबारा घर नहीं आऊंगा। वो चला, और चलते चलते कहीं एक जगह कहीं भगवान शंकर का पूजन हो रहा था, दिव्य भगवान शंकर का भी से पूजन चल रहा था कहीं, तो भूखा था, क्षुधा से आतुर था, सोचा कि खाना कहाँ मिलेगा, खरीदने के पैसे नहीं, और पहले खाना बिकता भी नहीं था। देखिए ये कलयुग में खाना बिकने लगा है, कलयुग से पहले खाना नहीं बिकता था।
तो उसने कहा कि वो कर्ण किसी के यहाँ जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो ये मंदिर में है, ये भगवान को भोग लग रहा है, ये भोग भी खा लूंगा, ये थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाएगी, ये थोड़े विश्राम वगैरह करेंगे तो मैं भगवान का भोग ले लूंगा। तो इसी दृष्टि से वो पूजा चलती रही और संध्या हो गई। पुराने समय में लाइटें तो होती नहीं थी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो दीपक जला रखा था, दिया, और दिया, वो दिया जलने से क्या होता था कि थोड़ा ऐसा बड़ा हो, दीवा कई बार हो जाता है ना, वो आ जाता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसकी छाया भगवान के ऊपर पड़ रही थी। ऐसा कहते हैं भगवान के ऊपर दीपक की छाया नहीं पड़नी चाहिए। शिव पुराण में आया है तो उसने क्या किया कि जाकर के कम प्रकाश कम हो गया, प्रकाश कम होने से उसको दिख नहीं रहा था, तो उसने अपने जो वस्त्र था उसको फाड़ करके उस दीपक में अपने वस्त्र को लगाने से दीवे की रोशनी बढ़ाई और वो जो छाया उसके ऊपर मूर्ति के ऊपर पड़ रही थी वो चली गई, प्रकाश कुछ ज्यादा हो गया और जो भोग रखा था भगवान का प्रसाद था, भगवान को नैवेद्य अर्पित किया था, वो नैवेद्य खाने लगा और खा ही रहा था तो उसका थोड़ा सा किसी कोई उठ गया, जो लोग वहाँ पूजा कराने वाले थे उन्होंने देखा, हो वो बोले कौन है, चोर 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 चोर, वो भागा, तो भागते भागते वो गिर गया, गिरने से वो जैसा भी वो उसको मारा पीटा गया होगा जो भी हुआ होगा बेचारा, वो उसके प्राण निकल गए और वो यमराज के पास पहुंचा, यम के गणों ने आया तो यम के गणों ने इसको पकड़ लिया लेके जाने लगे, इतने में शिव गण आ गए, शिव गण ने कहा ठहरो ठहरो, ये यमलोक में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा महाराज ये तो जुआरी है, लंपट है, झूठा है, संसार का शायद ही कोई दुर्गुण हो जो इसमें ना हो। तो वहां शिवगुण ने कहा ये कैसा भी है, इसने भगवान की सेवा में अपना कुछ समय दिया है, भगवान की कथा सुनी है, इसने भगवान के दिव्य अभिषेक और जो अर्चना भगवान की होती थी वो पूरी देखी है, जाने जाने में भी इसने, और इसने अपने वस्त्र के द्वारा जो मेरे ऊपर भगवान शिव के ऊपर छाया पड़ रही थी उसको छाया दोष से उसको बचाया है, तो इसको तो इसका इतना पुण्य हो गया कि अब शिवलोक के जाने का अधिकारी हो गया। तो वही फिर अगले जन्म में उसको राजा बनाया जाता है, देखिए वही गुण निधि अगले जन्म में राजा बनता है, और उसको याद है, उसको लगा कि मैंने एकमात्र एक दीप दान से, एक दीवे के माध्यम से मुझे शिवलोक की प्राप्ति हुई, अब राजा बनता है तो राजा बन करके प्रजा में घोषणा कर देता है कि कोई भी मंदिर में, प्रत्येक मंदिर में दीपक जलवाने की, उसने अपनी जो उनका राजकोष था राजकोष से धन देता था, यहां तक की घोषणा कर दी थी किसी मंदिर में दीप नहीं जलता मिला तो उसको दंड का अधिकारी होगा, उसके ऊपर हम दंड देंगे उसको। आप ये समझिए तो जितने भी मंदिर थे सारे के सभी मंदिरों में उसके राज्य के, यहाँ तक कि जो उसके उसके राज्य में भी नहीं थे दूसरे राज्यों में भी उसने धन सहायता के द्वारा और लोगों को प्रेरणा दे करके मंदिरों को जगमग कर दिया, इतना दीप दान किया कि भगवान शंकर ने उसको कुबेर बना दिया। बोल शंकर भगवान की जय। तो आप ये सोचिए आप मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं, मैं तो कल मुझे इतना भाव हुआ है माता को देख करके, ये भगवान पे इतना दिव्य सेवा कर रही है माता, निश्चित ही आपका शायद ही अगला जन्म होगा, ये भगवान की कृपा, आप इतनी जो सेवा कर रही है ना इतने मन से कर रही हैं, निश्चित ही आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ जो लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, मैं केवल यही की नहीं कहता, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जीवन दान दिया है सेवा में ही जो रहते हैं, जो अद्भुत उनकी, तो उनका पूरा का पूरा परिवार, मैं आपको बताऊं ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं, श्रावण भर नित्य प्रति अभिषेक चलता है जिनके घर, जहाँ चारों पहर का अभिषेक करते हैं शिवरात्रि के दिन, और प्याज तो दूर, माने दारू शराब मांस तो दूर, प्याज तो जिनके घर में नहीं आती है, सदाचार से रहते हैं, और उनके जीवन में देखिए धन की भी कोई कमी नहीं है, बड़े धनाढ्य लोग हैं, और किसी प्रकार के यश की भी कमी नहीं है। देखिए भगवान शंकर देवादेव महादेव ऐसी नहीं है, ओगड़दानी ऐसी नहीं है, उनकी सेवा का फल इसी लोक में मिल जाता है, परलोक की चिंता नहीं करनी, आप परलोक जाए ना जाए वो होगा नहीं होगा,
यही सेवा का फल देखने को मिलता है। मैंने कहा उस दिन कि एक समय की बात, एक आचार्य जी, एक बहुत मैं सौ अनुभूत बात बता रहा हूं। मैं एक बार जब मैं साधु नहीं बना, साधु का मतलब इस क्षेत्र में ही नहीं आया था, लेकिन मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं अभी भी बता रहा हूं। मैं हमारे यहाँ जो आचार्य पीठ है मानीवाणी अखाड़े में, आचार्य पीठ पे क्या होता है, हमारे ही नहीं आजकल जितने भी महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, वो क्या करते हैं, लाल कपड़ा दे देते हैं ताकि कहीं दूसरे का चेला बन जाए। आप समझ गए, मैंने उस लालच में कहीं कहीं और चोटी ना कटा ले, तो इसीलिए वो लाल कपड़े दे देते हैं। और वास्तव में तो देखिए, व्हाइट कपड़े, सफेद कपड़े या पीले कपड़े का विधान है, लेकिन आजकल ये सब कुछ चल रहा है, क्या करें। अभी हमें पता नहीं था इस चीज का, उस समय जब आया है तो आचार्य जी, मैं ब्रिज घाट में था, गंगा के किनारे, और जिस दिन घर छोड़ के चला, मेरी जेब में 74 रुपए थे, 74 रुपीज आई हैड ओनली इन माय पॉकेट। आई स्पेंड दिस मनी फॉर टू बाय टिकट। आई गॉट टू मच लक, मुझे इतना भयंकर वैराग्य हुआ कि मैं घर छोड़ करके चला गया। ये बात है 2000 के आसपास की। तो मैंने जो पैसा था खर्च कर दिया, खेलता था, कुश्ती आदि करता था, तो अच्छे ट्रैक सूट वगैरह, जूते वगैरह अच्छे थे, हैं? तो जो नाई था, जो बाल काटता था, मैंने मुंडन कराया वहां, छोटी रखी बढ़िया। मैंने कहा भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जूते दूंगा, मेरे कपड़े दूंगा, ये बढ़िया, मैंने अच्छे मिले मुझे। मैंने जैसे जो स्टेट खेल के आते हैं या नेशनल खेल के आते हैं, उनको क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे सेट मिलते हैं कपड़े, मैंने इस ट्रैक सूट और ये स्पोर्ट्स ड्रेसेस वो मिलती हैं, तो मेरे पास बहुत अच्छा सेट था। मैंने कहा भाई मेरे पास यही है, मुंडन करेगा। वो बोले, वो तो खुश हो गए कि यार इतना महंगा जूते हैं, ये सारी चीजें। उसने बड़े खुश होकर मुंडन किया, सब कुछ किया, मैंने चोटी रखी, एक मुझे गमछा उसने दिया, वो गमछा बांध करके मैं एक दंडी स्वामी थे उनके आश्रम में गया। वहां जिनके यहाँ जाना था वो महात्मा थे नहीं, राम आश्रम जी महाराज, वो वहां थे ही नहीं, वो भी बड़े अच्छे दंडी स्वामी संत हैं, अभी तो बुजुर्ग हो गए। तो फिर मैंने देखा कि मैं करूं क्या, मैं घर से तो आ गया, मैं गंगा किनारे जाके बैठ गया, वहां पार्थिव लिंग का भी सेट चल रहा था। और ये घटना भी लगभग श्रावण के आसपास की है, क्योंकि उसमें नदी में काफी जल था, और हमारे यहाँ श्रावण में जल होता है गंगा जी में। तो मैं श्रावण उसमें क्या हुआ, वहां बैठा तो मुझे किसी ने बुलाया, ऐसे ही भगवान की प्रेरणा से। उसने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मैंने कहा मैं बस ऐसे गंगा किनारे बैठा हूँ। बोले आप पहले तो कुछ प्रसाद पाइए, हम लोग कुछ, एक पचौरी जी थे प्रकाशन है हमका, अब तो चले गए बेचारे, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हमारे यहाँ एक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। वो आरएसएस के थे, उनके यहाँ कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, तो मुझे बोल गए, उन्होंने मुझसे बात की हैं, और मैं बिल्कुल मूछ दाढ़ी थी नहीं, और अपने ये बात होंगी 20 के आसपास का था मैं उसमें, 20 से भी कम का ही रहा हूँ। तो उनको देख करके मैं पढ़ने में अच्छा था, तो बोलने भी अच्छा था, तो उन्होंने मेरा प्रशिक्षण में उन्होंने कपड़े दिए मुझे, एक धोती टाइप की होती है बांधने के लिए। वहाँ एक आश्रम था परमार्थ आश्रम, तो उस आश्रम में मैं जाकर एक दिन ठहरा। उन्होंने मेरे घर फोन कर दिया पूछ करके मैं कौन हूँ। देवादेव महादेव की ऐसी कृपा, मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, कोई पंडित आया मुझे 500 रुपये दे के गया। मैंने कहा महाराज ये किस लिए, बोले बस मुझे लगा कि आपको देने चाहिए। अब आप सोचिए ये महादेव क्या कराते हैं, मैं 500 रुपये लेकर के मैंने क्या किया, मैं उत्तराखंड आया ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर बद्रीनाथ गया, फिर यात्रा शुरू हुई। ये देखिए आप सोचेंगे भी नहीं आपका मार्ग खुलते जाएंगे, भगवान की ऐसी कृपा होती है जिनके ऊपर, जिनके जीवन में, तो भगवान अपने आप ही रास्ता दे देता है आपको कुछ करने की। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, लाइट कितना दूर तक दिखाती है, थोड़ी दूर तक दिखाती है, बाद में फिर आपको दिखता, आप पूरा तो देख नहीं सकते, लेकिन जहां तक लाइट दिखाती है, ऐसी ये भगवान शंकर की जो सेवा, शुश्रूषा, उपासना है, मैं तो इतना कहता हूं। देखिए उसमें
मैंने केवल सुना सुना, वो अभिषेक चल रहा था, मैंने देखा, मैं थोड़ा बहुत संस्कृत जानता था, अच्छा जानता था संस्कृत, तो मैंने मेरी श्रद्धा निष्ठा रही, तो मुझे हमेशा कभी किसी चीज का अभाव, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब भगवान शंकर ने दिया। और ऐसे आचार्य मेरा जो पीठ, जहां हमने जिस भारत का सबसे बहुत ऊंचा लेवल का माने महानिर्वाणी अखाड़ा भारत में बहुत बड़ा अखाड़ा माना जाता है, और आचार्य पीठ तो बहुत बड़ी पीठ होती है, माने सैकड़ों करोड़ का जो आश्रम है, ऐसे आश्रम पर मुझे बिठाया गया, ये भगवान की कृपा थी, मैं इसको कृपा ही कहूंगा। और अच्छे गुरु के का सानिध्य मिला, बहुत अच्छे संतों का सानिध्य मिला, भगवान की कृपा से अच्छे अच्छे संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, ये देवादेव महादेव की ही कृपा है। अब जैसे एक गुणनिधि नाम का जो निकृष्ट ब्राह्मण को जब अलकापति का अधिकारी बनाया जा सकता है, तो आप तो अच्छे कुल में पैदा हुए हो, अच्छे जगह पैदा हुए हो, आपके अंदर तो इतने सद्गुण हैं, तो आपको कहाँ तक भगवान शंकर ले जाएंगे, इसकी कल्पना को किया नहीं सकता। तो मैं पुनः कहता हूँ कि भगवान के ऊपर विश्वास रखो, वो निश्चित ही वो सर्वंतर्यामी है। अब कई बार हम मांग करके घाटा करते हैं, भगवान की इच्छा हो आपको, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से सोचेगा ना, और हम अपने हिसाब से सोचते हैं, भगवान की इच्छा हो आपको 1 मिलियन देने की और आप 1000 मांग रहे हो, तो अपने नुकसान करो, भगवान सोचते चलो 1000 मांग रहे तो 1000 दे के निपटाओ, आप समझ गए। तो भगवान के पास जाओ तो भगवान से मांगो मत, वो अपने आप देंगे, उनको आपकी खबर है, आपकी जरूरतों का भी उनको जानकारी है। हाँ, आपका समर्पण होना चाहिए, ये शिव पुराण यही कहता है कि यदि भगवान के ऊपर आपका निष्ठा है, समर्पण है, और आपने पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ, डेडिकेशन के साथ आप भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं, आप जैसे यहाँ भगवान शंकर का अभिषेक होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतना सुंदर श्रृंगार होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे देश में जहाँ अभी देखा जाए तो भारत में ये चीज़ें संभव है, वहाँ सब चीज़ उपलब्ध है, यहाँ ना बिलपत्र होती है तो भी आचार्य जी ना, यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध नहीं होती, यहाँ पैदा नहीं होती, तो भी आचार्य जी इतने प्रयत्न से हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मंगा करके वो सब चीज़ भगवान को उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित ही आचार्य जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। ये मंदिर बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो बहुत छोटा रहा कार्यक्रम, लेकिन हमने प्रयत्न बड़े को छोटे में पूरा का पूरा एक खंड, जिसको पार्वती खंड कहते हैं, उसको छोटे में हमने सुनाने का प्रयत्न किया। बोल शंकर भगवान की जय। एक भजन या कुछ भी करना हो कर सकते हैं, ठीक है, कल की कथा हम फिर आगे करेंगे, ठीक है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। Yeah.